पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम गिराकर नेस्तोनाबूद कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा टेरर अटैक में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला लिया है। मंगलवार तड़के भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 फाइटर जेट ने एलओसी के भीतर 80 किलोमीटर तक अंदर जाकर जैश लश्कर के लॉन्च पैड तबाह किए। भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ने बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में बम गिराए। वायुसेना ने इस एयर स्ट्राइक में कई आतंकी लॉन्च पैड के ध्वस्त होने की खबर है। खबर यह भी है कि यहाँ मौजूद जैश का कंट्रोल रूम अल्फा 3 भी नेस्तनाबूद हो गया है। अपुष्ट खबरों के अनुसार पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक में 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। इस खबर के बाद लगातार भारत में एक जोश भारतीय सेना के लिए देखने को मिल रहा है। देश के लोग भारतीय सेना के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। साथ ही जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भी इस हमले के बाद सरकार और वायुसेना की तारीफ की है। पायनियर हरियाणा टीम की रिपोर्ट। दिस फैसिलिटी एट बालाकोट वाज हेडेड बाय मौलाना यूसुफ अजहर अलायस उस्ताद गौरी द ब्रदर इन लॉ ऑफ मसूद अजहर चीफ ऑफ द JEM। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फर्मली एंड रेजोल्यूटली कमिटेड टू टेकिंग ऑल नेसेसरी मेजर्स टू फाइट द मेनेस ऑफ टेररिज्म। हेंस दिस नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव एक्शन वाज स्पेसिफिकली टारगेटेड at the Jaish e Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. Yes, right. It's actually mostly on our own territory, which is called POK, Pakistan Occupied Kashmir. So there's no, you can always bomb your own territory, nothing wrong. But even if it was their territory, we have under the United Nations Charter the right of self-defense. And they did attack us. They have been attacking us and bleeding us. They themselves say we want to give 1,000 cuts to India. So I think our government did the right thing by giving them 1,000-pound bomb instead, you see. But this is only a... first step, I think our objective should be to break Pakistan into four. देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये ज़रूर होना चाहिए था और हो सके तो थोड़ा सा इससे और पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। एनीवे कोई दिक्कत की बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, आज भी कर दिया, बहुत अच्छा है। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ प्रॉब्लम, ये तो केवल एक शुरुआत है। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उन ठिकानों के ऊपर, आतंकवादियों के ठिकानों के ऊपर, जो कि हमारा एरिया है, POK जो है वो एक्चुअली इंडिया का ही एरिया है, ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसके ऊपर करना बिल्कुल वाजिब है। और मैं ये चाहता हूँ कि इनके तीन ठिकानों के ऊपर ये अटैक हुआ, एयर अटैक हुआ, ये सिर्फ एक मोटे मोटे इनके बेस से, आगे इनकी बहुत सारी ब्रांचेज भी होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके और इनके ऊपर जो है और सॉर्टीज जाने चाहिए, और इसके ऊपर जो है अलग अलग जितने भी ठिकाने हैं सबको उड़ा दिया जाए, ताकि दोबारा आगे आतंकवाद नाम का जो है आर्मी, जो पहला सवाल था कि किस तरह से किया होगा, ये आर्मी अपना प्लानिंग के हिसाब से काम करती रहती है और प्लानिंग चलती रहती है हमारी अंदर खाने, ये आर्मी किसी चीज़ को बताती नहीं है कि हम कल ये करने वाले हैं, ये देश की सुरक्षा का मामला होता है। लेकिन जो आज एयरफोर्स ने अपने पाकिस्तान के अंदर जो किया, बहुत ही अच्छा काम किया है, और एक मेरे अभी एक गर्व से बात हुई, क्योंकि मैं भी कश्मीर में बहुत दिन से देख रहा हूँ, कश्मीरियों का दिल एक ऐसा होता है जैसे बहुत ही बुजदिल होते हैं कश्मीरी, ये कश्मीरी इतने डरपोक होते हैं कि ये घर में से ना आग लगते जैसे भागते ताबातोड़, और ये सामना नहीं करते, ये तो मार के भागने वाले हैं। एक पहला ही देखा जो बम से उड़ता हुआ देखा था मैंने बस को TV पर,
और ये इतने दिलावर नहीं है, ये दूसरे की सपोर्ट लेके पाकिस्तानी जो इनको पैसे देकर काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान जो आज हमला हुआ, पाकिस्तान का अपने कश्मीरियों का एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आज गोली और पटाखे कहीं चला के दिखा दे ना कश्मीर में। नहीं, ये तो कदम उठता ही रहेगा आगे और चलता ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। मैं सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि दिल को तसल्ली हुई, जो शहीदों के परिवार हैं, जो देश के लोग हैं जिनके बड़ा आक्रोश था, उनको दिल को तसल्ली हुई कि ये जो कार्य भारतीय सेना ने किया है, इंडियन एयरफोर्स ने, बहुत ही लाजवाब कार्रवाई, और पता भी लगा दुश्मन को, वो सर्जिकल स्ट्राइक सोच रहे थे, एयर स्ट्राइक का उनको उम्मीद भी नहीं थी, बहुत अच्छे ढंग से कैरी आउट की गई एक स्ट्राइक है, दिल को तसल्ली हुई है। और वो POK के अंदर की गई है, जो हमारा कश्मीर है जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, उस कश्मीर में की गई है, तो कोई भी वायोलेशन मैं नहीं समझता कि देश ने कोई वायोलेशन की है, और टेररिस्ट के अंगेंस्ट की है, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ या पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं की, लेकिन जो टेररिस्ट वहाँ छुपे बैठे थे जिनको इन्होंने पाल रखा था उनके खिलाफ की है, और दिल को तसल्ली हुई है कि इन्होंने कार्य किया है।